डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड बेसिकली आप लोग ने अगर ये मीटिंग somaya.edu के ईमेल आईडी से अगर नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर यू ज्वाइन विद द somaya.edu ईमेल आईडी। ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है दैट वी हैव टू एलिमेंट्स। ओके व्हाट इज द टू एलिमेंट्स आर वन इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कॉइल एंड वन इज कॉल्ड एज अ मूविंग कॉइल। और ये दोनों कॉइल्स आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अटैच होते हैं। उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो आपके सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। और कनेक्ट होने के बाद वो आपके मेजरिंग क्वांटिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। सो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट है आपके इंडिकेटिंग टाइप का। सो इफ यू हैव अ पेपर एंड पेन विथ यू, नोटबुक एंड पेन विथ यू, जस्ट राइट डाउन डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोस्टली द वैट मीटर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज डायनामोमीटर टाइप। नाउ व्हाई वी हैव टू मेजर द पावर इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट पावर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट का क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ पावर दैट एसी सर्किट इज बीइंग कंज्यूमिंग दैट कंजम्पशन ऑफ पावर इज इंडिकेटेड बाय दैट वाट मीटर। ओके वाट मीटर इज गोइंग टू इंडिकेट द पावर विच इज बीइंग कंज्यूम्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिकल लैब में वाट मीटर देखा होगा या फिर आपके इंडस्ट्री में या आपके लोकेशन में वाट मीटर अगर आपने देखा होगा, so it is a indicative type instrument. Okay, it is a indicative type instrument. Now what exactly this particular power, electrical power which is being measured in the dynamometer type instrument, that we are going to see today. So as I said, this has two coils, firstly fixed coil and another is moving coil. Now what is the purpose of the fixed coil and moving coil and why they are connected, why they are attached in such a way that one will be consuming current and one will be consuming voltage, or one will be affecting, one will be giving you the magnetic field with the help of voltage, one will be with the help of current. So let's see what are the basic parameters related with the dynamometer type instruments. So it's basically using the power transmission of rotating shaft and what is the amount of torque which is produced, and we have the movement of the pointer from zero to the rating. So जो भी rating है आपके instrument का वो क्या करता है, वो जो instrument है वो आपका दिखाता है। So अभी ये diagram में आपके सामने यहाँ पे present कर रहा हूँ, उसको आपको आपके notebook में draw करना है। और जैसे आपका draw करके हो जाएगा just type done in the chat box. Okay, ठीक है। So basically this type of wattmeter we can say that current coil जो होता है आपका that is used as a fixed coil and we have a voltage which is applied on the moving coil and then we will be having a torque on the pointer. Okay, so let's see how the construction of the dynamometer type wattmeter is. So just imagine you have two magnetic field. I will just show you some, just look in the screen. You have this, say for example these are the two electromagnets. Okay, so ye electromagnets kya hai, aapke same polarity ke hai. Say for example if the magnet 1, ye magnet 1 hai ya magnet A hai, isko aap consider kijiye. मैग्नेट वन हैज इट्स ओन फोर्स एंड इसको आप फिक्स्ड कॉइल भी आप बोल सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉइल ने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, और ये है आपका मूविंग कॉइल, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। एंड फिक्स्ड कॉइल इज नॉट गोइंग टू रोटेट और मूव, इट विल ऑलवेज बी देयर इन इट्स ओन शेप, और जहाँ पे उसका लोकेशन है वो उसकी जगह पे रहेगा। एंड इन बिटवीन दिस फिक्स्ड coil, the moving coil is arranged in such a way that both magnetic field will interact with each other. Both magnetic field will interact with
each other. Now, the point is, give me a moment. Okay, so where we were? Two coils, yes. So fixed coil and moving coil, दोनों के magnetic field से जब interaction होगा तो उसके according आपके pointer पे deflecting torque जो है वो produce होगा. Okay? Now what do you mean by deflecting torque? Anyone? एका magnet के magnetic field ने दूसरे ओर से असर हो. क्या क्या? एका magnet का magnetic field ने दूसरा magnet मध्ये मतलब flux create कर सकते. आपके एनर्जी मीटर, सॉरी नॉट एनर्जी मीटर, आपके इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर होता है उसको स्टार्टिंग से लेके ओके मतलब उसके जीरो पोजीशन से लेके जो आपका डिजायर्ड क्वांटिटी है, मेजरमेंट का जो क्वांटिटी है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. अभी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ने समझो दिखाया 40 वैट्स का आपका क्या है रीडिंग दिखाया उसने. अभी 40 वैट्स से आपके पॉइंटर को जीरो पे भी जाना चाहिए, राइट? डू यू थिंक दैट शुड बी पॉसिबल? ऐसा होना चाहिए, यस और नो? अभी 40 वैट का उसने पॉइंटर दिखाया, 40 वैट का दिखाने के बाद उसको वापस जीरो पे जाना चाहिए कि नहीं? और वहां पे जो काम में आता है उसको बोलते हैं कंट्रोल टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क. ओके, कंट्रोल टॉर्क या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क. नाउ दिस पर्टिकुलर कंट्रोल टॉर्क और यू कैन से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, जीरो से लेके 40 वैट तक पॉइंटर को लेके जाएगा, एंड कंट्रोल टॉर्क क्या करेगा, 40 से जीरो की तरफ वापस लेके जाएगा. नाउ इन बिटवीन दिस द पॉइंटर will always be fluctuating. Pointer जो है आपका वो क्या होगा, fluctuate करेगा. And because that pointer is fluctuating, what will happen? Pointer fluctuate करने की वजह से क्या होगा? Can anyone tell me? Error आएगा. We cannot take a proper reading. बराबर? हमें कभी वो 41 दिखेगा, कभी 39 दिखेगा, कभी 38 दिखेगा, और वो क्या रहेगा, ऐसा oscillate करता रहेगा. Now, when we talk about this oscillating pointer, we have to stop that oscillation. Okay, और वो oscillation stop करने के लिए we required another torque, or we can say yes, damping torque. Homesh is right. So damping torque is used for stopping that oscillation. ये point समझ में आया आपको? Everyone? Yes. So now this damping torque is produced by number of ways. One way is like we can use air friction damping. One we can use is your oil damping. You can use eddy current damping. Okay. Another thing is that for our control torque. What control torque you can offer with? You can offer it with the gravity. You can offer that control torque with the help of spring. Okay. So this is what we are supposed to learn. Okay. Moving ahead with this. How many of you have seen the presentations which I shared with you? कितने लोगों ने वो लिस्ट खोल के देखा कभी? मैं स्टडी मटेरियल जो पोस्ट किया था आपके लिए. No one? Okay. So I'll just share one PPT with you once again. Let me share that dynamic. Where is it? Okay, so we have fixed coil which is connected in series called as current coil, and moving coil is pivoted between the two parts. मतलब fixed coil के बीच में आपका voltage coil है या potential coil है, and this potential coil will be having its own. ये क्या है संतोष? 1-4 presentation open only. Okay, anyways. So basically what you can do is, first of all, for a dynamometer type instrument, make sure you know about the current coil, note it down in your notebook. Current coil क्या होता है? Fixed coil होता है. Second is your potential coil, sometimes it is called as a pressure coil also. Okay, then we have this particular damping and control provided by the air friction damping. These are the important points related with the dynamometer type instruments. Okay, now
another thing is that very important that we have to add a high resistance to be connected in the series of the moving coil. Moving coil is generally related with the voltage. So if you apply the high voltage, or you can say the voltage related with your system voltage, then what will be the outcome? What is going to happen? It is definitely going to burn the instrument. So we need to control the current, and we need to make sure that our sensitivity of the instrument should be increased. Okay, and because of that, you will be getting an effective readings of the wattmeter. Now, how this particular dynamometer type wattmeter is working? Power measurement के लिए इस्तेमाल करते हैं. Current coil जो है आपका वो series में connected रहता है load के. It carries total load current. अभी current की value ज़्यादा है, तो fixed coil का जो diameter रहेगा, that will be more. अगर diameter more है, तो turns will be less. Okay, diameter ज़्यादा है, मतलब current ज़्यादा है, तो उसके according turns जो होंगे, वो coil के वो कम होंगे. इसके fixed coil के. So if you are having a fixed coil in the dynamometer type instrument, you will be having a thick wire used for the winding, and it will be having a less number of turns. Now comparing it with the potential coil, or the coil which is connected in the parallel. So parallel mein jo coil connected rehta hai, wo aapke voltage ke across rehta hai, aur usme current jo hai usko hame limit karne ki zarurat hai. तो करंट उसमें से क्या होगा, काफी कम पास होना चाहिए, सो दैट इट विल बी हैविंग अ स्मॉलर डायमीटर. नाउ वंस इट इज हैविंग अ स्मॉलर डायमीटर, इट्स टर्न्स आर गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड, बिकॉज द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग टू पास थ्रू द मूविंग कॉइल. ये बात समझ में आ रही है आपको? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो. नाउ इफ द फिक्स्ड कॉइल is going to produce a field FM, okay, magnetic field जो है वो moving coil का अगर उसने क्या किया है, create किया है, और moving coil जो है वो आपका एक field create कर रही है, तो ये दोनों का आपका जो interaction होगा, कौन सा, magnetic field created by the fixed coil and magnetic field produced by the moving coil, then they both will interact with each other and create और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ये समझ में आया आपको एवरीवन? एंड द स्पिंडल व्हिच इज कनेक्टेड टू द मूविंग कॉइल अलोंग विद द स्प्रिंग्स इज गोइंग टू प्रोवाइड द कंट्रोल टॉर्क. तो स्प्रिंग का काम क्या है? स्प्रिंग क्या करेगा, आपके पॉइंटर को वापस जीरो के पोजीशन पे लेके आएगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ओके, सो लेट्स सी. यहां पे हमने फिक्स्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों किससे यूज किया है हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाया है. मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल. अभी फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल के साथ अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड है, इसका मतलब आपका जो रीडिंग होगा वो दोनों पैरामीटर पे डिपेंड होगा. अभी इनमें से दोनों पैरामीटर कौन से है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. पहला पैरामीटर कौन सा है? करंट कॉइल का, डेफिनेटली इट इज अ करंट. पोटेंशियल कॉइल का पैरामीटर कौन सा है? डेफिनेटली इट इज अ वोल्टेज. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूजिंग वोल्टेज एंड करंट टूगेदर एंड गिविंग इट्स वैल्यू एज अ मल्टीप्लीकेशन, the instrument is going to show you the exact amount of power being consumed at that particular time as an indicating instrument. So P is equal to VI, ये जो आपका formula है वो यहाँ पे क्या होता है, validate होता है, and it will help you to get the value of power at this instrument's dial. Advantage क्या है? It can be used on AC and DC. It has a uniform scale. We will obtain the high degree of accuracy. Tino advantage samajhne ke baad, let's see what are the disadvantage. Low power factor agar hai, to yahan pe jaise humne dekha, we are talking about the current and voltage. To humne yahan pe power factor ki baat nahi ki hai.
तो पावर फैक्टर से रिलेटेड जो इशू है वो यहाँ पे मीटर में आ सकता है. ओके, देन रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी अफेक्टेड बाय द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि समझो आपके इंस्ट्रूमेंट के आजू बाजू अगर आपने मैग्नेट कोई रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपके इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, और वो करने के बाद, ये करने की वजह से क्या हो सकता है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत रीडिंग दे सकता है. इसके लिए ये जो डिसएडवांटेज है वो हमें इससे क्या करना है, संभलना है. सो ये हो गया आपका डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसका वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन एंड उसका डायग्राम. तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. सो इफ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. राइट डाउन इन द नोटबुक, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. नाउ व्हाट इज द यूज एंड व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द यूज एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. Let's see. Okay, can you see this now? So here in this instrument we are going to identify, जैसे हमने fixed coil के लिए current coil use किया था, यहाँ पे fixed magnetic field के लिए we are going to use a permanent magnet. Permanent magnet का इस्तेमाल करके हम एक magnetic field create कर रहे हैं, जो already उसका जो value है वो क्या है, common है. उसका जो value है वो कांस्टेंट है, और ये वैल्यू की वजह से आप क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आप प्रोड्यूस कर सकते हो. ओके, सो ये पॉइंट काफी जरूरी है समझने के लिए कि हमारे पास पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट में तैयार है, हमारे पास रेडी है. अभी जो सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड है, दैट सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर. अगर ये फील्ड हमने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का इस्तेमाल करके बनाया, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है. व्हाट इज द वर्ड, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. एंड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूसिंग अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट विल बी ट्राइंग टू मूव इट्स पॉइंटर from the 0 degree या 0 position to the position equivalent to the amount or the electrical parameter which you want to measure. ये समझ में आया आपको? Okay. अभी हम इसका construction देखते हैं. तो ये instrument में हम देख रहे हैं कि we have pivot and jewel bearing at the spindle. जो spindle है, मतलब जो उसका shaft है, वो shaft को pivot एंड ज्वेल बेयरिंग पे क्या किया है, अटैच किया है. अभी पिवोट एंड ज्वेल बेयरिंग कैसे रहता है कि अगर आपके पास ये पेन है और ये पेन का निप है, ओके, तो ये कैसा है, एक ज्वेल टाइप है. ज्वेल मतलब क्या, ज्वेल कैसा, ऐसा नुकीला रहता है ना, तो वैसे ये स्पिंडल है वो ऐसा नुकीला है, और इसको हमने हमारे पिवोट पॉइंट पे ऐसे रखा है. अभी पिवोट पॉइंट जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उसमें ये ज्वेल जो है वो ऐसे अंदर जाके फंस सकता है या उसके अंदर जाके हमेशा रह सकता है. सो दैट वॉट एवर द मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन प्रॉपरली यू कैन अंडरस्टैंड, इसका जो एंगुलर मूवमेंट है वो एंगुलर मूवमेंट होने के लिए ये पिवोट एंड ज्वेल बेयरिंग जो है वो आपको इफेक्टिवली क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है. एंड इसके लिए ये आपके स्पिंडल के ऊपर, स्पिंडल मतलब नथिंग बट द शाफ्ट, ये शाफ्ट के ऊपर, ये शाफ्ट के ऊपर वी ऑलरेडी हैव द कॉइल. ओके, शाफ्ट के ऊपर वी ऑलरेडी हैव द कॉइल, एंड दैट कॉइल विल बी हैविंग इट्स ओन कोर एंड अ वाइंडिंग. क्या क्या है उसके ऊपर, कॉइल में कोर है उसका और उसका खुद का वाइंडिंग है, और ये जो वाइंडिंग है उसके जो टर्मिनल्स है, ओके, वाइंडिंग के कितने टर्मिनल्स होंगे, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, 2. ठीक है, वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स होंगे, और वो 2 टर्मिनल आपको आपके स्पिंडल के टॉप साइड एंड बॉटम साइड,
टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से जो स्प्रिंग अटैच रहेगी, वो स्प्रिंग को जो आपको यहाँ पे दिख रही है दिस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के जरिए ये स्पिंडल से ये कॉइल का जो वायरिंग है वो क्या होता है, बाहर टर्मिनल बॉक्स के यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, राइट? ओके, सो मूविंग अहेड विद दिस, नाउ द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज, या समवन इज सेइंग इट मींस वर्किंग प्रिंसिपल सेम एज एसी डीसी मशीन। अच्छा, सो बेसिकली एसी डीसी मशीन मतलब क्या, ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए मोटर ही है, ओके? बट ये मोटर ऐसा मोटर है कि उसमें आपको पता है कि अगर आपने 5 एम्पियर करंट दिया तो ये सिर्फ इतना डिग्री ही घूमेगा, वैसा रोटेट होने वाला मशीन नहीं है ये। इट्स वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये सेम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है और सेम इफेक्ट क्रिएट होने के बाद उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलिब्रेट कर रहे हैं। कैलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई के 1 एम्पियर के लिए कितना डिग्रीज मूव हो रहा है, वेदर इट इज मूविंग 20 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री, ओके? तो एक बार हमें जैसे पता चलेगा कि अगर 10 एम्पियर का आपके इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटी है तो आपके 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग टोटल कितना मूवमेंट होगा, ओके? परफेक्ट। तो ये फैराडेज लॉ वगैरह आपने FEE में सीखा होगा, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन दिस इंस्ट्रूमेंट वी हैव डिस्कस दैट फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, इन बिटवीन देयर इज अ स्पिंडल along with the bearing and the spring for your control torque, okay? And then we also have a balance weight and spring is used for providing the external connection to the electrical parameter. Now, this moving coil is basically helping to show the reading, okay? And how it will show the reading? Jitna magnetic field already available hai, With the help of permanent magnet, उसके साथ आपके electrical quantity जो current है या voltage आप measure करेंगे ये instrument के वजह से या ये instrument के जरिए, तो उसके according ये क्या करेगा, magnetic field जो है ये आपका moving coil जो है वो produce करेगा, and that magnetic field will interact with the permanent magnetic field. मतलब अभी समझो आपके पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट मतलब ऐसे यू शेप का मैग्नेट, और उसके बीच में आपने एक कॉइल रख दिया है। अभी ये कॉइल ने समझो सिमिलर पोलैरिटी बनाया तो क्या होगा, इट विल रिपेल, राइट? और अगर डिससिमिलर पोलैरिटी बनाया तो इट विल अट्रैक्ट, ओके? और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पॉइंटर है उसका जो मूवमेंट है वो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, राइट? सो वी हैव फर्स्ट अंडरस्टूड द कंस्ट्रक्शन, देन वी हैव सीन द वर्किंग, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज? नाउ बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ दिस पॉइंटर को जो मूव करने वाला आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो मूविंग कॉइल की वजह से बनता है, तो मूविंग कॉइल अगर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर मूव होने लगा तो क्या होगा, आपका जो पॉइंटर है वो हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा और आपको रीडिंग नहीं दिखाएगा। एंड इसी पर्पस के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ डायरेक्ट करंट या डीसी सप्लाई के लिए ही काम में आता है। ये समझ में आया आपको, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ वी कैन से पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ओके? इतना क्लियर है सबको, यस और नो? सो ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, ओके? डन एवरीवन? नॉट सर। परफेक्ट। सो दिस, इसके लिए क्या देना है आपको टाइटल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। अभी इसके बाद क्या होता है कि अभी बहुत लोगों ने मतलब आपने या आपके साथ जितने भी लोग हैं जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर भी रहता है। कितने लोगों ने देखा है मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मतलब वो जो स्क्रू ड्राइवर का जो हेड रहता है वो आपका मैग्नेटाइज रहता है, ओके?
ओके सो उसमें आपने देखा होगा कि आपका स्क्रू ड्राइवर और एक नेल बोलो या स्क्रू बोलो, ये एक दूसरे को तो टच होते हैं। ये समझना आसान है कि स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटाइज जो आपके स्क्रू है वो उसको टच हो रहे हैं। बट आपने ये भी देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद स्क्रू और उसके बाद एक और स्क्रू उसको टच होता है। देखा है आपने ऐसा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सो उसी इफेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए MI इंस्ट्रूमेंट को या मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट को। ओके सो आर यू ऑल रेडी? यस। ओके सो हमारे पास ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम में वी हैव अ फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल। फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल के साथ एक फिक्स्ड आयन का वेन भी लगा हुआ है। मतलब क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो टर्मिनल्स है, वो टर्मिनल्स से आपके पास, आपके कॉइल के पास इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जो है वो ये फिक्स सिलेंड्रिकल कॉइल को क्या हो रहा है, मिल रहा है, और वो कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो रही है। वो कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज हो रही है। जैसे ही वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, व्हाट विल हैपन? इट विल क्रिएट एन मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो फिक्स्ड आयन आपको दिख रहा है, फिक्स्ड आयन वेन, ये आपके स्क्रू ड्राइवर के बाद जो लगा हुआ पहला स्क्रू है उसके जैसा काम करना शुरू करेगा। ये समझ में आया? हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड। ओके नाउ ये जो आपका फिक्स सिलेंड्रिकल कॉइल है, दिस इज अ फर्स्ट लेवल और फर्स्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करना है, तो वो करंट किसमें से फ्लो होगा? आपके फिक्स्ड सिलेंड्रिकल कॉइल में से फ्लो होगा। उसके बाद क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे होगा या उससे हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिक्स्ड आयन जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके अभी ये मैग्नेटाइज जो हुआ है वो आगे वाले जो मूविंग आयन वेन है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा। ओके इसका मतलब आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फिक्स्ड आयन वेन जो है वो मैग्नेटाइज हो चुका है। सो अभी आपके पास कितने मैग्नेटिक फील्ड है? दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक जो उसका ओरिजिनल, दूसरा जो उसके विसिनिटी में रहने की वजह से बन गया। ओके अभी वहां पर एक तीसरा चीज है, उसको हम बोलते हैं मूविंग आयन वेन। अभी मूविंग आयन वेन क्या होता है कि समझो आपके पास दो स्क्रू है। ओके दो स्क्रू है और दो स्क्रू बहुत दिन रखने के बाद वो दोनों में क्या आ जाता है? मैग्नेटिज्म आ जाता है। और आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे ही आपने वो स्क्रू ड्राइवर वो स्क्रू के साथ रखा, तो कुछ स्क्रू होते हैं वो डायरेक्टली चिपक जाते हैं और कुछ स्क्रू जो होते हैं वो ऐसे पलटी मार के या उसका डायरेक्शन चेंज करके उसको टच होते हैं। किसने ये ऑब्जर्व किया है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? एक तो आपका बहुत सारे आपके पास ये है स्क्रू है और उसमें आपने आपका मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर डाला है या टेस्टर डाला है, तो उसमें से एक कुछ रहते हैं ना वो डायरेक्टली टच होते हैं और कुछ होते हैं ना वो ऐसे जंप लेके टच होते हैं। सो ये जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द वर्ड? अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। तो अट्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको फिक्स्ड आयन वेन दिख रहा है और जो आपका मूविंग आयन वेन दिख रहा है, ये दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो एक दूसरे से अपोजिट है। क्या है ये? एक दूसरे से अपोजिट है एंड बिकॉज ऑफ इट इज अपोजिट दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जैसे वो अट्रैक्ट करेंगे, वहां पे आपका ऊपर जो पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये पॉइंटर क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से मूव करेगा एंड बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी
which we are being measuring with the help of this attractive this attraction type moving iron instrument is going to show you the result on the scale. Result dikhaya usne. Now we have to turn back to the zero, and wahan pe zero aane ke liye we have the spring, and that spring is going to help you to provide the control torque. Itna samajh mein aaya? Perfect. So ये हो गया अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. अभी अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो आपका पॉइंटर का जीरो लोकेशन है, जीरो पोजीशन है, जीरो और समझो ये जीरो पोजीशन है और ये मैक्सिमम पोजीशन है, ये पॉइंटर है ऐसा समझो. आई शुड आई टेक दिस ओके, इसको ऐसे पॉइंटर है ऐसे समझो. तो ये जो अट्रैक्शन वाला है उसका जो फिक्स्ड वेन रहेगा वो कहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, towards the zero side or towards the maximum side? Just type in the chat box or someone can unmute and say also. ये attraction type है, attraction type. जितना attract करेगा उतना move होगा. तो उसका zero position तो पहले से ही है ना. अभी हमको अगर क्या करना है, zero से लेके 40 तक दिखाना है, zero से लेके 40 तक दिखाना है. तो 40 के side मतलब maximum side पे आपका वो क्या होना चाहिए, magnet होना चाहिए. ये समझ में आ रहा है? सो दैट इट विल अट्रैक्ट. तो जितने भी लोगों ने जीरो टाइप किया वो थोड़ा वापस सोच लो इसके बारे में कि आपका पॉइंटर है वो हमेशा पहले जीरो पे रहेगा. तो जीरो से उसको मैक्सिमम के साइड पे हमें क्या करना है, लेके जाना है. तो उसका अट्रैक्शन वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे होना चाहिए, मैक्सिमम साइड पे. यस, तो मैक्सिमम जो पॉइंटर का साइड है वहां पे आपका ये अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपका जो फिक्स आयन वेन है वो उस तरह से कनेक्ट किया जाता है. इतना समझ में आया आपको? ओके. अभी अपोजिट मतलब रिपल्शन. तो एक दूसरे के नजदीक आ गए तो वो अपोजिट में क्या करेंगे, उसको फोर्स अप्लाई करेंगे. तो जब हम देख रहे हैं ये दूसरा टाइप, मैं अभी आपका स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, उसके पहले आपने इसका डायग्राम ड्रॉ किया क्या नहीं बताओ मुझे आपके नोटबुक में. मेरे ख्याल से नहीं किया, किया नहीं किया. सो टेक 2 मिनट्स, ड्रॉ इट, गिव अ हेडिंग, attraction type moving iron instrument. Okay, and when done just type done in the chat box. Okay, so you done with this? Perfect. So just ek minute correction hai. No, sir. Correction ye hai ki give a heading as a repulsion type. Okay, so this is the repulsion. Ye diagram jo hai wo repulsion type ka hai. Attraction type ka jo diagram hai wo main aapko batata hu kaise, because in repulsion type kaise identify karna hai, that it has a spring. Okay, in the attraction type we have air damping chamber. Okay, along with that we have a different mechanism including the balance weight. Okay, so I hope ye ho gaya hai, jiska ho chuka hai unko sirf name change karna hai, baki theory jo hai wo same hai. Okay, kya difference hai wo maine aapko samjha diya ki 0 degree rahega to इसका पोजीशन कैसे रहेगा, टुवर्ड्स द मैक्सिमम अट्रैक्शन टाइप है तो, और रिपल्शन टाइप है तो जीरो के जगह पे होगा और जीरो से वो पुश करेगा, रिपल्शन करेगा और आपको जो पॉइंटर का मूवमेंट है वो आपको मिलेगा. ओके, तो जस्ट टाइप डन व्हेन यू डन और समवन जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी इफ यू आर डन. ओके ओके, सो ओके, सो आई विल शेयर अनदर डायग्राम विथ यू विच विल बी giving you 2 ideas about attraction type and repulsion type. So repulsion mein we have 2 types, one is a radial vane and one is a coaxial vane. Coaxial vane ka matlab ye hai ki jo aapka fixed jo vane hota hai, that is attached near between the coil and in between the moving vane aur aapke coil ke beech mein aapka fixed vane rehta hai. और इसका जो शेप है यू कैन सी हियर, वो ऐसे यहाँ पे बड़ा रहता है और यहाँ पे छोटा होते जाता है. उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपना स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, जब उसका जो ऑडिगन से उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना फोर्स ज्यादा रहेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना फोर्स कम हो जाएगा. ओके, so moving ahead with this, so just draw this diagram, attraction type,
एंड रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट. ओके, रिपल्शन का आपने ड्रॉ किया है, जस्ट फोकस ऑन नाउ अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट. ओके, बाकी थ्योरी एंड उसका बाकी जो पार्ट है वो सब सेम है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एवरीवन, यू अंडरस्टूड द थ्योरी ऑल्सो. नाउ जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड व्हेन डन जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स. तो डायग्राम क्लियर दिखत नहीं. हेलो, सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं किया था. सो मैंने आपको यूआरएल जो है वो पोस्ट किया है चैट बॉक्स में, वहां से आप वो डायग्राम ड्रॉ करके आपके मोबाइल में स्टोर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक एंड आई विल जस्ट शो यू द प्रेजेंटेशन रिलेटेड विथ अवर करिकुलम. तो करिकुलम में हमारे फर्स्ट 3 टॉपिक जो है वो आज हमने कवर किए हैं, राइट. सो मतलब आज तक हमारा ये फर्स्ट 3 टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर के वो हो चुका है. अभी हमें आगे भी ये रेजिस्टेंस जो मेजरमेंट है वो देखना है और एसी ब्रिजेस देखना है. सो दिस वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी दिक्कत ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट काफ़ी थियोरेटिकल है और इसमें काफ़ी सारा लेंदी भी प्रोसीजर है. तो आप इसका स्टडी जो है वो जो आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसके साथ, मतलब ये जो आपका स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया है मैंने, इसको फॉलो करके आप आपके नोट्स बनाना जो है वो चालू करो. इसमें सभी लिंक्स पे क्या दिया है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है ये टॉपिक से रिलेटेड. ओके, सो मेक श्योर यू डू दैट एंड मार्क योर अटेंडेंस एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक सैटरडे.